अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधीर शर्मा के नेतृत्व में लिपिक लघु वेतन तृतीय वर्ग पेंशनर्स एवं वाहन चालकों की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांत व्यापी आह्वान पर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम प्रभारी डिप्टी कलेक्टर प्रताप सिंह अगासिया को ज्ञापन सौंपा गया। लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह पवार, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह पवार, लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र मंडलोई, पेंशनर्स एसोसिएशन जिला अध्यक्ष मुकुंद सिंह सिसोदिया, वाहन चालक संघ पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, मोर्चा महामंत्री आर एस खांडे, मोर्चा प्रवक्ता हबीब बेग मिर्जा ने सैकड़ों कर्मचारियों के साथ ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रवक्ता हबीब बेग मिर्जा ने बताया कि लिपिक लघु वेतन तृतीय वर्ग पेंशनर्स तथा वाहन चालक संवर्ग के कर्मचारी अपनी मांगों के निराकरण हेतु शासन से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसके प्रथम चरण में 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आज मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया, जिसके पश्चात भी निराकरण नहीं होता तो आंदोलन के द्वितीय चरण में 29 अप्रैल 2023 को भोपाल में लीली टॉकीज के पास महा आंदोलन कर प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।